यह दोस्तों क्लेरोडेंड्रम इनर में यानी वाइल्ड जैस्मिन कहलाता है ये प्लांट। तो इसको चलिए रिपोर्ट कर देते हैं क्योंकि उसका पॉट भी अब टूटने वाला है। तो एक छोटे से प्लास्टिक बोनसाई पॉट में हम डाल रहे हैं इस प्लांट को। यह फार्म की बाउंड्री के लिए इस्तेमाल होता है और ये जहाँ होता है वहाँ मच्छर भी नहीं आते, इसे भी कहते हैं। बहुत ही कड़वा स्मेल वाला होता है, उसमें फ्लावरिंग एंड बेरिया भी होती है। तो एक ये वाइल्ड प्लांट कह सकते हैं। एक ही मेथड मुझे अच्छी लगती है इसमें काम करने की, यानी एक ही मेथड से कर सकते हैं उसको, क्लिप एंड ग्रो से, यानी इस तरह से कट करते रहे। पहले प्रारंभिक जो स्ट्रक्चर है वो अगर मिल जाता है आपको तो मैं इस तरह ट्रिमिंग करते रहे, बहुत ही इजी है प्रैक्टिस के लिए। तो अनवांटेड चीज़ों को ग्रो नहीं करने देना है, जो ज़रूरी है उसे ही हम ग्रो करने देंगे। कुछ डाइबैक भी दिखने को मिला है बट ठीक है, शेप एंड साइज अच्छा है। लॉकडाउन में मुझे जाने का मौका मिला था, लॉकडाउन में यहाँ रिलैक्सेशन लेता है, गांव की तरह है, तो यहाँ खेतों के रास्ते में था, वहाँ से मैं उठा के लाया इसको और लगा दिया था। बहुत ही कम टाइम में उसका जो स्ट्रक्चर है वो तैयार हो गया है। बेसिक स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, टेपरिंग वगैरह। तो चलिए उसको निकालते हैं और एक बोनसाई पॉट में डाल देते हैं। ये रूट निकला है, उसको कट किया हमने, अटैच तो मेरे ख्याल से है नहीं, अटैच है तो चलिए उसको, जो वायर है उसको निकाल देते हैं। ये काम पहले करना है। अब हमें देखना है उसकी रूट सिस्टम को, अच्छा सा रूट दिख रहे हैं, अच्छे है रूट मेरे ख्याल से। तो ये लोकल में अगर मिल जाता है तो आप इससे काम करें, बहुत ही बढ़िया प्लांट है। एज एक आपके पास बोनसाई प्लांट बढ़िया सा दिखने वाला आप चाहते हैं तो उसके साथ जा सकते हैं। मुफ्त में मिलने वाला प्लांट होता है, उसके पौधे भी मिल जाते हैं गार्डन वो बाउंड्री बनाने के लिए 2-3 रुपए में, छोटे छोटे। उसका एक बड़ा प्लांट चाहता हूँ मैं, बट हो नहीं पाया। बहुत पहले मैंने एक ट्राई किया था, हुआ नहीं था। इस तरह अगर बोनसाई प्लांट में रूटिंग सिस्टम आ जाती है दोस्तों तो बड़ा अच्छा लगता है, एक अचीवमेंट की तरह होता है हमारे लिए। ये वही खुशी हमें किक कह सकते हैं, किक मिलती है एक तरीके से इस तरह के पौधे तैयार करने के बाद। तो बढ़िया सा पौधा है, कटिंग से हो जाता है। फाइनली ये जा रहा है इस तरह के छोटे बोनसाई पॉट में। थोड़ा प्लेसमेंट बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, पौधे को सेंटर में नहीं रखते, थोड़ा साइड में रखते हैं। उसका ये फैलाव इधर है तो हम यहाँ रखते हैं, तो अच्छे से अटैच कर लेना है प्लांट को। चलिए बढ़िया से लगा देते हैं, एक बहुत ही बढ़िया लगता है इस तरह। अगर प्रॉपर पॉट मिलता है तो पौधे की ब्यूटी में 4 चांद लग जाते हैं, क्योंकि सबके दिमाग में यही होता है कि पौधा बोनसाई पॉट में है तो बढ़िया लगता है।
तो कौन कहता है दोस्तों बोनसाई बनाने में ज़्यादा वक्त लगता है? नहीं दोस्तों, हम सीखने में ज़्यादा वक्त लगा लेते हैं, नहीं तो ये तो 2 साल में तैयार हो गया है। देखिए, ये कौन कहेगा ये बोनसाई नहीं है? सब कैरेक्टर एक छोटू सा ट्री की तरह दिख रहा है, बहुत ही कम हाइट है उसकी, लगभग 7-8 इंच की है, 100 इंच साइज कैटेगरी में आ जाएगा ये इजीली। अच्छे से उसको अटैच कर दिया, अच्छे से इस तरह से सोइल सेट कर दी और बोनसाई प्लांट रेडी हो जाता है दोस्तों। डिफोलेशन नहीं किया है क्योंकि ये मरने वाली चीज़ नहीं है, बहुत ही इजी ये रिकवर करता है, तो हम उसको डिफोलेशन ना ही करें तो भी चलता है। तो कैसा लगा दोस्तों ज़रूर बताएं, छोटे से पॉट में कौन सा प्लांट, कुछ भी हम जहाँ से भी देखेंगे ये ट्री की तरह लगना चाहिए दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं, थैंक यू।